guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another lecture of toxicology and that is opium poisoning. ठीक है friends, opium जो है ये एक narcotic है और इसकी वजह से जो poisoning होती है, जो symptoms आते हैं, we call it opium poisoning. ठीक है, इसको अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ओपियम जो होता है इसके कुछ अदर नेम्स दिए हुए हैं. ये पैपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, इससे डिराइव किया जाता है. ठीक है, जो ओपियम होता है क्रूड फॉर्म में वो उसके कैरेक्टरिस्टिक ओडर और बिटर टेस्ट होता है. ठीक है, इसमें जो टॉक्सिक पार्ट होता है वो अनराइप फ्रूट होता है, उसका मतलब जो फ्रूट पका हुआ ना हो, उसकी कैप्सूल एंड इसके लेटेक्स का जूस. ठीक है, सीड्स जो होती है इसकी नॉन पॉइजनस होती है और उसको हम खसखस के नाम से जानते हैं. आप लोगों ने ये टर्म सुना भी होगा और ये एक कुकिंग में डालने वाले एक सब्सटेंस की तरह यूज की जाती है. ठीक है, बेसिकली अगर हम ओपियम की बात करें तो इसमें ये सारे मेन नार्कोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनकी वजह से ही सिम्टम्स आते हैं. वो क्या है, मॉर्फीन है, कोडीन है एंड थिबेन है. ठीक है, आप एग्जामिनेशन में जब डिस्क्राइब करोगे तो ये चीजें आपको मेंशन करना जरूरी होता है. ठीक है, मूविंग ऑन, कुछ सिंथेटिक ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ओपियम का काम करते हैं. वो सब्सटेंसेस क्या हैं, जैसे हेरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक, दीज आर द सब्सटेंसेस. कुछ सिंथेटिक ओपियोइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेथाडोन, फेंटेनाइल, पेंटाजोक्सीन एंड ट्रेमेडॉल. दीज आर बेसिकली सम सिंथेटिक ओपियोइड्स. ठीक है, मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं इसके एक्शन की. तो ओपियम करता क्या है, ओपियम की अगर किसी को पॉइजनिंग हो जाए, किसी ने ज्यादा अमाउंट में ले लिया हो, तो ये ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करता है. ठीक है, और वो पूरे नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, चार टाइप के ओपियोइड रिसेप्टर है, म्यू, कप्पा, डेल्टा एंड रिसेंटली एक और OFQ/N. ठीक है, ये चार बेसिक रिसेप्टर्स हैं ओपियोइड जो कि हमारी बॉडी में ओवरऑल प्रेजेंट होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, जो सिनेप्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम में जहाँ से नर्व्स के इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, वहां पर सिनेप्टिक न्यूरो ट्रांसमिशन का इनहिबिशन कर देते हैं. ठीक है, और उसकी वजह से ही हमें जो सिम्टम्स मिल पाते हैं वो यहाँ पर मिलेंगे. ठीक है, सिम्टम्स देखने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि एक पर्सन इसकी पॉइजनिंग कैसे हो सकती है उसको. तो या तो आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा ड्रग्स को स्नॉट करते हुए, ठीक है, या फिर स्मोकिंग के थ्रू. कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इंट्रावीनसली या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स को लेते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स की. तो बेसिकली आईवी जो पीक इफेक्ट्स होते हैं इसके, वो 10 मिनट्स में देखने को मिल जाते हैं अगर किसी ने इंट्रावीनस लिया हो तो. 10-15 मिनट में नेजल इंसफिलेशंस के बाद और 30-45 मिनट में, मतलब इंट्रामस्कुलर लिया हो तो सिम्टम्स लेट आते हैं. सबसे ज्यादा लेट सिम्टम्स आते हैं किस कंडीशन में, अगर पर्सन ने डर्मल एप्लीकेशन किया हो तो सिम्टम्स 2-4 आवर्स के बाद आते हैं. ठीक है, ये जो इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो बेसिकली स्टेजेस में डिवाइड किए गए हैं. जो पहला स्टेज है दैट इज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट. ठीक है, तो आपको इसको याद करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक पर्सन को इमेजिन करो जिसने ओपियम की पॉइजनिंग की हुई है. ठीक है, तो आप अगर इमेजिन करोगे तो पर्सन जो होता है वो बहुत यूफोरिया के सेंस में चला जाएगा, वो बहुत ज्यादा खुश और फ्री महसूस करेगा, बहुत ज्यादा बात करेगा, बहुत ज्यादा हंसेगा. तो ये सारी चीजें स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में आती है. ठीक है, नेक्स्ट वो थोड़ा डल और ड्राउजी हो जाता है और उसमें
नोजिया, वॉमिटिंग और हेडेक, मतलब बेसिकली अब इसके फिजियोलॉजिकल लेवल पे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, पहले सिम्टम्स मेंटल लेवल पे आ रहे थे, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में, देन द सिम्टम्स विल स्टार्ट कमिंग ऑन द फिजिकल लेवल, जो कि हेडेक हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस हो गई पर्सन में. ठीक है, लिम्स हैवी फील होगी. तो ये नेक्स्ट स्टेज आता है, स्टेज ऑफ स्टूपर. ठीक है, मूविंग ऑन, यहाँ पर प्यूपिल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगी. ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है थर्ड स्टेज, दैट इज स्टेज ऑफ नार्कोसिस या फिर कोमा. इसमें जो पर्सन अभी तक बहुत एक्टिव था, जिस पर्सन में बहुत ज्यादा खुश था, वो सिम्टम्स उसमें फिर कैसे आने लगे थे, फिजियोलॉजिकल सिम्टम, अब वो पर्सन डीप कोमा में चला जाता है. उसके मसल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, फेस भी पेल हो जाएगा. ठीक है, उसकी कंजक्टिवा आपको कंजेस्टेड मिलेगी, एंड उसके स्किन में बहुत ज्यादा पर्सपायरेशन होगा, ज्यादातर वो कोल्ड पर्सपायरेशन होगा. ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यहाँ पर कंस्ट्रिक्टेड पिन पॉइंट प्यूपिल मिलते हैं. ये चीज आपको याद रखनी है. आप कैसे याद रखोगे, ओपियम का ओ जो है वो एक पिन के पॉइंट जैसा दिखता है.